अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है। मिल गई है, और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। सर, कोरोना से काफी गरीब मजदूर काफी लोग परेशान है, सरकार वादे तो कर रही है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे चीजें लोगों तक पहुंच नहीं रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया परेशान है। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, 1,60,000 से ज्यादा लोग जा चुकी जान। इधर भारत में भी जान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दो दो मंत्रियों की जान गई है, और लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि लोग बीमार होते जा रहे हैं, कई लोग जो पहले से गंभीर बीमार हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है। इसलिए लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी तब तक जब तक इलाज ना आए, और जब तक वैक्सीन ना जाए तब तक हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। 2022 के लिए सर तैयारियां किस तरीके से? ये सरकार तो ऐसी है जिसने लॉकडाउन के बाद भी अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाया। लॉकडाउन आखिरकार इसीलिए था कि अस्पताल, दवाई या जो सुविधाएं मिलनी थी उनका इंतजाम हो जाए, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। सर 15 अगस्त मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, उस पर मैं प्रेस करूंगा, आपसे अलग से बैठ के बात करूंगा। उन्होंने कहा सर सफाइयों को एकजुट करने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर बैठ करके आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, और मैं खुद बुलाऊंगा आप सब लोगों को, लेकिन बीजेपी की हर चाल से सावधान रहना पड़ेगा। और चलो